जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से एक और नए वीडियो के साथ। आइए मेरे प्रियो, आज हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना करने से पहले हम कुछ वचन का मनन करेंगे। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह का वचन कहता है मेरे प्रियो कि आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हालेलुया। मेरे प्रियो, हो सकता है इस वक्त आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, हो सकता है आपके जीवन में आनंद की कोई नाम भी नहीं है, निशान भी नहीं है। हो सकता है मेरे प्रियो आज इस समय में आपके जीवन में सिर्फ उदासी है, सिर्फ हो सकता है आपके जीवन में निराशा है मेरे प्रियो, हो सकता है आपके जीवन में कोई दूर दूर तक आशा नज़र ही नहीं आ रही है। हो सकता है मेरे प्रियो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अशांति है, हो सकता है क्लेश है, लेकिन खुदावन यीशु मसीह का जिंदा और जीवित वचन आज आपसे कहता है कि आशा में आनंदित रहो। क्लेश हो रहा होगा आपके जीवन में इस वक्त, क्लेश में हो सकता है आप घिरे हुए हैं, पर मेरे प्यारे मसीह भाइयों और बहनों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि हमारे पास कई ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसमें कि हम आप सभी के लिए प्रार्थना करें ऐसा बोला जाता है कि सिस्टर हमारे लिए शादी के लिए प्रार्थना करिए, जॉब के लिए प्रार्थना करिए, सिस्टर मैं कर्जा में हूँ हमारे लिए प्रार्थना करिए। लेकिन मेरे प्रियो, आज खुदा का वचन आपसे कहता है कि प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हालेलुया। हो सकता है आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है, हो सकता है आपके जीवन में वचन नहीं है, हो सकता है मेरे प्रियो आप प्रार्थना तो करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं, हो सकता है आप बाइबिल तो पढ़ना चाहते हैं परंतु पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन खुदावन यीशु का वचन कहता है आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आप सभी से बताना चाहूँगी कि यीशु मसीह जी का वचन कहता है कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, वो सहायक तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी सहायता करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मांगे खुदा से आज मांगे मेरे प्रियो, अपने मुंह को खोले, अपने आंसुओं को बहाए, अपने अपने घुटनों में आए और खुदावन यीशु से मांगे कि पिता तू मुझे सिखा कि मैं कैसे प्रार्थना करूं, पिता तू मुझे इस विपत्ति से छुड़ा, पिता तू मुझे इस क्लेश से छुड़ा, पिता तू मुझे इस परेशानी से छुड़ा, खुदावन यीशु तू मुझे इस दुष्ट के जाल से छुड़ा, दुष्ट के बंधन से आजाद कर। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो बोलिए, पिता से बोलिए, प्रभु से बोलिए, अपने अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर से मांगिए। मेरे प्रियो, अगर आप कर्जा में हैं तो प्रभु से बोलिए कि प्रभु तू मुझे कर्जा से मुक्त कर दे। अगर हो सकता है आप इस वक्त बीमारी की हालत में पाए जाते हैं तो प्रभु से बोलिए कि प्रभु आप मुझे चंगाई प्रदान करिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कह रहा है मेरे प्रियो आपसे, आज ये वचन आपके लिए है, आप सब रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम के द्वारा आप सब रिसीव करें और परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखें, प्रार्थना में नित्य स्वयं ही लगे रहे। मेरे प्रियो, हम सब आपके लिए पूरी विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं, नित्य आप लोगों के लिए, हमेशा आप लोगों के लिए प्रार्थना की जाती है। अपनी प्रार्थना निवेदन आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी और अपनी गवाही भी आप हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में हमें भेज सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए अब हम आप सभी के लिए बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, हम धन्यवाद करते हैं खुदावन, धन्यवाद करते हैं यीशु आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदावन यीशु, शाम के वेला में पिता
हम मर मिट नहीं गए। पिता, कई ऐसे लोग हैं जो इस शाम के समय को भी नहीं देख पाए हैं, परंतु खुदा तेरी दया से, तेरी अनुग्रह से, तेरी करुणा से, तेरी पिता परमेश्वर आशीष की वजह से आज हम जीवित पाए जाते हैं। खुदा, इसके लिए प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। जितने भी भाई हैं प्रभु जी जो इस वक्त प्रभु प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, उसके जीवन में प्रभु किसी भी प्रकार की पिता वो बंधन है दुष्ट की ओर से, वो जितने भी पिता परमेश्वर गरीबी है, कर्जा है, वो प्रभु जी शादी के बंधन है, शादी करना चाहते हैं पर हो नहीं पा रही, यीशु मसीह के नाम से हर एक विपत्ति दूर होने पाए। हर एक बरकत को हम मांगते हैं पिता परमेश्वर। जितने लोग प्रभु जी विश्वास के साथ प्रार्थना सुन रहे हैं पिता, जितनी भी बहनें हैं प्रभु जी उनके घर में पिता क्लेश है, उनके हस्बैंड प्रभु जी ड्रिंक करते हैं और परेशान करते हैं, झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, मारपीट करते हैं प्रभु, उनके हस्बैंड को पिता परमेश्वर यीशु के लहू से उनके माइंड को बांध देते हैं पिता। आपका वचन कहता है राजाओं का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में होता है, जिधर उसे चाहे उधर मोड़ देता है पिता। ठीक इसी प्रकार प्रभु जी जितनी बहनें प्रभु जी इस वक्त प्रभु निराशा में हैं, हताश हैं प्रभु, चाहते हैं उनके हस्बैंड जो हैं पूर्ण रीति से विश्वास में आ जाए, उनके लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर जितने भी बहनें विश्वास के साथ सुन रही हैं प्रभु जी, उनके हस्बैंड के मनों को आप बदल रहे हैं पिता, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने भी भाई बहन हैं प्रभु विश्वास में, परंतु उनके घर के सदस्य के लोग प्रभु जी विश्वास नहीं करते हैं, तो प्रभु हर एक के मनों को पिता आप जांचने वाले हैं प्रभु जी। आपका वचन कहता है मैं तुम्हारे पत्थर के मन को निकाल कर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा पिता। हर एक जन के प्रभु जी कठोर मन को आप नम्र कर रहे हैं पिता, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे राजा। जितने लोग प्रभु जाने अनजाने प्रभु किसी पाप में पड़े हैं, आंखों के द्वारा, मुंह के द्वारा या शरीर के द्वारा प्रभु जी, हर एक के प्रभु जी पापों से प्रभु आप प्रभु जी क्षमा करिए पिता, क्योंकि आप पापियों से प्रेम करते हैं पिता। आप दया करिए, अनुग्रह करिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हालेलुया, स्तुति करती हूँ यीशु नाम की, स्तुति करती हूँ, बढ़ाई करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जितने भी लोग प्रभु जी इस वक्त प्रभु जॉब की तलाश में हैं, परंतु प्रभु उनको जॉब नहीं मिल रही है प्रभु जी, बहुत ज़्यादा निराश है, हताश है पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप उन सभी भाइयों पर प्रभु, बहनों पर आप दया करिए मेरे यीशु राजा, आप कृपा करिए पिता, आप स्वर्ग से प्रभु जी अपने छिदे हुए सामर्थ्य हाथों को बढ़ाइए पिता परमेश्वर। और जितने भी भाई बहन इस वक्त जॉब लेस है पिता परमेश्वर, हर एक एक जन को प्रभु जो इस वक्त विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुन रहे हैं आप जॉब से ब्लेस करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम के द्वारा। हालेलुया प्रभु जी, जितने भी बहनें हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, कई ऐसे बहनें हैं प्रभु जो कर्जा की अवस्था में पाई जाती हैं पिता, आपका वचन कहता है मैं तुम्हें लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनाऊंगा। हालेलुया, हर एक एक जन को प्रभु जी आप प्रभु जी एक अच्छी जॉब से ब्लेस करिए पिता, हाथों के कला को प्रभु जी बढ़ाने में आप सहायता करिए। जितने भी भाई बहन हैं पिता जो बिजनेस करना चाहते हैं प्रभु, उनके प्रभु जी आपका वचन कहता है मैं तेरे हर एक कामों में आशीष को दूंगा। प्रभु जी आप हर एक एक जन को प्रभु जी ब्लेस कर रहे हैं पिता, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद करती हूँ पिता, हर एक तेरी महिमा के लिए प्रभु, तेरी करुणा के लिए, आशीष के लिए प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। रात्रि बेला में प्रभु जी जब हम नींद के लिए जाते हैं सोने के लिए पिता, तो एक एक जन के बिस्तर के चारों ओर स्वर्ग दूतों का पहरा आपके पवित्र लहू के बाड़ा, अग्नि के बाड़ा से कवर कर देते, हर एक दुष्ट की अंधकार की शक्तियों को बांधते, खुदावन यीशु तेरे भयानक हाथों में सौंप देते हैं मेरे खुदा बाप। आप दया करिए पिता, दया करिए, एक एक जन को प्रभु जी आप ब्लेस करिए पिता परमेश्वर, हर एक की कमी घटी को आप पूरा करिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका वचन कहता है प्रभु आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो एक दूसरे
से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था को पूरी की है। पिता परमेश्वर प्रभु, जितने लोग प्रभु, जितने पिता परमेश्वर घर में अशांति हो रही, आस पड़ोस में या प्रभु जी कार्यस्थल में अशांति हो रही, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता, उस जगह में प्रभु जी आप प्रेम की आत्मा कुंडेल दीजिए पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन है प्रभु जी, जो प्रभु जी आपको जानते हैं परंतु मन में प्रभु कठोरता आ गई है प्रभु, अपने पत्नी के प्रति, पति के प्रति प्रभु जी प्रेम नहीं है, यदि पिता परमेश्वर प्रभु जी आप उनके जीवन में प्रेम की आत्मा को उंडेल दीजिए, आनंद की आत्मा को उंडेल दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी आशा में आनंदित रहने पाए पिता, और क्लेश में स्थिर रहने पाए पिता परमेश्वर, और प्रार्थना में निरंतर लगे रहने पाए पिता परमेश्वर। आप दया करिए, अनुग्रह करिए, आपने प्रार्थना सुना पिता परमेश्वर प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, और इस प्रार्थना को मसीह यीशु के जिंदा और जलाली नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और दया से कबूल करिए, आमीन।